बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज मैं बना रही हूँ और ये किन्नू आए थे मेरे पास, तो मैंने कहा इसको ठिकाने कैसे लगाया जाए, मतलब खाने के अलावा जूस बना लूँगी। और आजकल फिर किन्नू का सीज़न भी है, तो मैंने ये सोचा कि इसका मैं मार्मलेड बनाती हूँ। थोड़ा सा बहुत अच्छा, बड़ा मज़े का, बड़ा टेस्टी लगता है, जूसी जूसी सा। तो उसमें से मैंने 4 किलो निकाले हैं और ये शुगर है, बस यही 2 चीज़ें यूज़ होगी। इसको मैं छीलूँगी, छील के इसका पल्प निकालूँगी और फिर उसको मैं ग्राइंड करती हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ साथ साथ। और इसके जो पील है छिलका थोड़ा सा, वो बारीक बारीक कट के कट करके वो भी इसमें शामिल हो जाएगा। तो स्टार्ट करती हूँ मैं अपनी रेसिपी। इसको किन्नुओं को मैं छीलती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, अब मैंने इसका ये सारा पल्प निकाल लिया है, बीज वगैरह सब कुछ निकाल लिया है। अब मैं इसको ग्राइंडर जग में डाल के तो ज़रा इसको थोड़ा सा ग्राइंड कर लूँगी। अब मैं इसमें देसी में डाल के इसको पकाती हूँ। ये थोड़ा सा पील है ऑरेंज का, ये भी मैं डाल देती हूँ साथ ही। चीनी भी मैं थोड़ी सी साथ ही ऐड करूँगी, तो पूरी प्याली मैं ऐड नहीं करूँगी, हाफ मैं ऐड करूँगी। अगर फिर मैं देखूँगी जैसे अगर कम हुआ तो फिर मैं और डाल लूँगी शुगर। इसे गाढ़ा होने तक मैं पकाऊंगी। अब ये देखिए ये पक रहा है। अब देखिए कितना खूबसूरत कलर है, कोई कलर, कोई फूड कलर नहीं डाला, ये नेचुरल कलर है इसका। गाढ़ा होने तक इसको मैं पकाऊंगी। ये देखिए अब ये गाढ़ा होता जा रहा है। इसको मैंने टेस्ट किया, शुगर उतनी काफ़ी है, आधी प्याली शुगर इनफ थी। बस ये अब तैयार होने पे आ गया, गाढ़ा हो रहा है, ये रेडी होता है फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए अब कितना गाढ़ा हो गया है। थोड़ा सा बस से और पकाऊंगी, बस फिर ये रेडी हो जाएगा। थोड़ी सी मेहनत तो है लेकिन अच्छा मज़ेदार बन जाएगा। लेकिन ये पक जल्दी गया है, बस वही मेहनत हुई है जो उसको छीलने में हुई है। बस मैं इसको अब चूल्हा बंद कर रही हूँ, काफ़ी गाढ़ा हो गया क्योंकि अब इसने ठंडा होकर भी गाढ़ा होना है, तो बस इतना ही काफ़ी है। ये फ्रेंड्स मेरी ऑरेंज मार्मलेड तैयार हो गया है, जैम बिल्कुल साफ़ सुथरा हाइजीनिक। ये मैंने सुबह ही बना लिया था, अब मैं नाश्ता करने लगी हूँ इसके साथ, बहुत मज़ा आएगा। स्लाइस पे लगाया, बहुत ही मज़े का बना है, बिल्कुल साफ़ सुथरा। ये 4 ऑरेंज में एक बॉटल बन गई है, तो काफ़ी टाइम इससे गुजर जाएगा, फिर बीच में और बना लूँगी। तो फ्रेंड्स आपको होप कि मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।